अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यस, फाइनली आज मैं जा रही हूँ लंडे। आपको डिटेल में दिखाऊंगी मैं कौन से लंडे में जाती हूँ। आप लोगों के इतने कमेंट्स आते हैं कि आपने जूते दिखाए थे लंडे के और जो स्वेटर्स आप लेती हैं वो कहाँ से लेती हैं। तो आज मैं फाइनली जा रही हूँ, स्टे कनेक्टेड, डिटेल में दिखाऊंगी। आप लोग भी मेरे साथ चले हैं। यस, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अभी चलते हैं। यस, एक और इम्पॉर्टेंट बात, कपड़े आपने बिल्कुल सादे पहन के जाने हैं, कोई सूखी पाउडर नहीं लगा के जाना। अजान भी हो रही है इस वक्त असर की और मैं भी रुकवाऊंगी रिक्शा और फिर हम निकलते हैं टूवर्ड्स लंडा। चलते हैं, रुकें, पहले रिक्शा रुकवा लूँ फिर बैठूंगी जाके। भाई डिस्पेंसरी ग्राउंड तक जाना है, चलें जी चलते हैं लंडे। वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, पूरी वीडियो डिटेल में देखनी है ताकि आपको पता चल जाए मैं कौन से लंडे में जाती हूँ। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा पूछे जाना वाला सवाल कि आप कौन से लंडे जाती हैं, तो मैं टेंच बाज़ार में जाती हूँ लंडे में। ये पूरी टेंच बाज़ार है, पहले तो एशिया का लॉन्गेस्ट बाज़ार होता था, अब नहीं पता। और ये रहा उसका डिस्पेंसरी ग्राउंड, इसके आपने लेफ्ट साइड पर जो है ना गली है वहाँ पर जाना। वैसे दो तीन गलियाँ आती हैं जो कि जाती हैं लंडा बाज़ार में, मेहरबान मार्केट का आप किसी को भी पूछ लें तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। लाहौरी चाट वाली गली जो एंटर होगी, ठीक है, डिस्पेंसरी ग्राउंड के साथ ही पहली गली, उसमें ये जूतों की शॉप आ जाती है जो पहले मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर की हुई है। मैं उसका भी लिंक लगा दूंगी ताकि आपको उसका भी पता चल जाए कि ये शॉप जो है ना मैंने डिटेल में उसमें दिखाई हुई है। तो ये सारे जूते थे हील्स, आप यकीन करें ये ज़ारा बेसिक्स का था। अच्छा भाई, इसका जो है ना वो 1500 बता रहे थे, लेकिन आप यकीन करें पठानों के साथ जब आप रेट करते हो ना, चार पाँच जूते मिलाते हो ना, तो वो मुश्किल से 1500 के चार पांच जोड़े दे देते हैं। अब ये देखें इनमें क्या बुराई है, इसमें खरीदने में कोई बुराई है? और इनके साथ साथ जो है ना आपको बच्चों के भी जूते मिलेंगे, स्नीकर्स, जॉगर्स, इस तरह के सारी चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी में आपको मिलेंगी। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि आप दूसरा पाँव भी देख लें। अक्सर ये होता है जो उन्होंने सामने रखा होता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, और जो आप घर जब लेके आते हैं ना, जो दूसरा आपने देखा नहीं होता वो ख़राब निकलता है, या एक साइज़ बड़ा या छोटा निकलता है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप जूते का साइज़ उसी वक्त दोनों पहन के देख लें। तो ये देखें, ये वो लंडे वाली गली शॉप जूतों की, ये गली जो है ना अभी जिसमें मैं जा रही हूँ। ये देखें लॉन्ग बूट्स भी बहुत ज़्यादा वैरायटी के, जिनको शौक है, मैं ज़्यादा पहनती नहीं, इसे मैं ज्यादा लेती नहीं। और ये देखिए, ये लाहौरी चाट वाली गली, ये चाट आपको सामने नजर आ गई, ये पूरी लाहौरी चाट वाली जो गली है ना, ये सारी समझे लंडे की शुरुआत है, ठीक है। यहाँ पे पूरा लंडा बाजार है, मार्केट है, जिसमें आपको हर चीज मिलेगी, बैग्स, पर्दे, कुशंस, बिस्तरे, स्वेटर्स, मैट्स, मतलब जो आप सोचेंगे ना आपको वो मिलेगा, जो नहीं भी सोच के जाएंगे ना वो भी मिल जाएगा। मैं अक्सर कुछ लेने कुछ जाती हूँ और मैं ले कुछ आती हूँ, ऐसा भी होता है। और ये इसका ना ये गली जो ना ये पूरे ग्राउंड में निकलेगी, इस ग्राउंड को कहते हैं मेहरबान ग्राउंड, ठीक है, मेहरबान मार्केट। ये बीच में टेंट बाज़ार में आपको समझ नहीं आएगी, ये गली में है। और ये देखिए कितना बड़ा इसका हुजूम है, यहाँ पर मंजे ही मंजे पड़े होते हैं, और मंजे पर हर मंजे पर आपको डिफरेंट वेराइटी मिलेगी, जिसमें स्वेटर्स, ग्लव्स, सॉक्स, पफर जैकेट्स की इतनी वैरायटी, इतनी वैरायटी। बस आपने क्या करना है, आपको देख के वो कहेगा कि 1000 रुपये का, लेकिन वो फिर आपने जो है ना बार्गेनिंग खुद करनी है। अब ये जो सामने जो पफर जैकेट स्लीवलेस मैंने इसे उतरवाया था, ये मुझे वो कह रहा था 800 का, आप यकीन करें मैंने इसको 400 पे मान लिया था, और ये ब्रांड न्यू था, मतलब आप देखें इतनी नीट, साफ सुथरी, कोई बुर कुछ भी नहीं था। और फिर ये जो ग्राउंड है ना, इसके आसपास सारी दुकानें ही दुकानें हैं, चारपाइयाँ हैं, दुकानें हैं, जिसमें दुकानें कुछ जिसपे सिर्फ और सिर्फ बच्चों का माल है, ठीक है, बच्चों के ट्राउज़र्स, पैंट्स, स्वेटर्स, हैंडमेड स्वेटर्स बहुत ज़्यादा है, जैकेट्स, पफर्स, और बहुत सारी वैरायटी आपको मिलेगी, और यकीन करें बहुत ही कम पैसों में, ठीक है। ये वीडियो बनाने का मकसद, डिटेल में बाज़ार दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों का इतना सवाल आ रहे थे कि हमें लंडों का तो पता है लेकिन आप किस लंडे में जाती हैं, आप वो बताएं। तो मैं मोस्टली इसी लंडे में जाती हूँ, ठीक है, और ये मेरे लंडा जो है ना वो घर के करीब है। मैं रिक्शे में आती हूँ, गाड़ी पे बिल्कुल नहीं आती। गाड़ी से बात मजे की बात बताती हूँ, वहाँ पे एक आंटी थी, वो कहती है मेरी गाड़ी जो है ना आधा घंटा बाहर फंसी रही है गली में। मैंने कहा आंटी आप हो, किसने कहा था गाड़ी में आए, भाई हम तो रिक्शे में आते हैं, गाड़ियाँ बढ़िया नहीं लेके आते यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि गलियाँ तंग है ना तो उसकी वजह से पार्किंग का इशू हो जाता है। और ये देखें जी, ये स्वेटर्स आपने मुझे जो पहने हुए देखती हैं, मैं सारी स्वेटर्स यहाँ से लेती हूँ, 100 रुपया पर स्वेटर, और अगर आप 10-12 लेंगे तो उसमें भी 200-300 पठान बेचारे को आप कम दे देंगे तो वो बुरा नहीं मनाएगा। तो ये देखें बेस्ट क्वालिटीज, ये सारी बटन्स वाली थी, ठीक है, उनमें ढेरियां बनी होती है, बटन्स वाली प्लेन सारी। चल भाई, मैं चली हूं, थैंक यू भाई, थैंक यू। तो
बस जी आपने मेरी तरह जो है ना डुबकी मारनी है स्वेटर्स की ढेरियों में और अपनी अपनी पसंद के जो है ना स्वेटर्स निकालने, और यकीन करें कि क्या लेवल के स्वेटर्स निकलते हैं। आप मुझे जितनी भी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे व्लॉग्स देख लें, मेरे व्लॉग्स में जितने भी स्वेटर्स मैं पहनती हूँ वो सब के सब लंडे से होते हैं, और कुछ हैं जब मुझे लंडे का नहीं पता था तो पुरानी थी। ये देखें फ्रॉक्स भी बच्चों के होते हैं, ज़हरा फ्रॉक्स पहनती नहीं इसलिए मैं लेती नहीं हूँ, और ये देखें हर तरह का फ्रॉक, इसके नीचे आप हाई नेक बना लें, नीचे लेगिंग्स बना लें, तो क्या ही लेवल के जो है ना वो बच्चों को लगते हैं पहने हुए। थैंक यू एंड थैंक यू उनका जिन्होंने ये वीडियो बनाई, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? बिशरा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, खैर खैरियत से शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। पर स्वेटर कितना दे रहे हैं? पर स्वेटर ये वैसे बाजार में 250-300 रुपए का रेट है। अच्छा, हमने सेल पे लगाई हुई है 100 रुपए। 100 रुपए जी। ओके, गुड हो गया। चलें ये पकड़े ना मेरा तो पूरा पलंदा, ये डालें शॉपर में। थैंक यू, शुक्रिया। शॉप का नाम शाम नहीं है? नाम नहीं है, कार्ड है। कार्ड ये एस के नाम से मशहूर है। और ये है टेंच में, टेंच बाटा मेहरबान मार्केट, लाहौरी चाट वाली गली है। लाहौरी चाट वाली गली, चलिए ठीक हो गया, डन हो गया। लाहौरी चाट वाली गली है और एस के खान की शॉप पे आपने जरूर आना है, और मेरी तरह आके स्वेटर्स पहनिएगा और खरीदिएगा, ठीक है? नहीं सॉरी, मेरी तरह आके स्वेटर यहाँ पे लेना, टाइम निकालना और पहनना और फिट लगना, ठीक है? ये मेरा थैला हो गया तैयार, चलें। तो फाइनली मेरी शॉपिंग हो गई डन, 3 घंटे मैंने लंडे में लगाए। आप लोगों ने भी मेक श्योर करना है कि बच्चों को खाना वाना खिला के फ्री होके हर काम से फिर आइए, क्योंकि लंडे में जो है टाइम लग जाता है, ताकि आप टेंशन फ्री होके जो है ना शॉपिंग करें। और ये गली हमें जो है ना वो ले जाएगी मेन टेंच रोड पर, और इसमें भी लंडे ही लंडा है। और अब चल के आपको मैं घर में दिखाती हूँ जो स्वेटर्स मैंने खरीदे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं मेरी स्वेटर्स कलेक्शन फ्रॉम लंडा। वैसे मुझे इस तरह के स्वेटर्स बहुत पसंद है, लूज लूज एंड बैगी स्टाइल्स ना, और ये कलर भी मुझे बहुत पसंद आया था। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी कि एक ही पैंट्स के साथ सारी पहन के दिखाऊं, एक दो जो है वो शलवार कमीज के साथ पहन के दिखाऊंगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो ये स्वेटर भी मुझे मिला था 100 रुपीज का, और ये बहुत ही मज़ेदार था। मुझे फंकी कलर्स बहुत पसंद है। ये येलो कलर का जो मैंने स्वेटर लिया था ये भी 100 रुपीज का लिया था, और इसके गले में जो मैंने वो जो मफलर सा लिया हुआ ये भी मैंने लंडे से लिया था। आपने मुझे बहुत सारे व्लॉग्स में देखा होगा पहने हुए, ये भी मेरे ख्याल में 50 रुपये का था और बहुत ही मज़े का लग रहा था। नेक्स्ट मैंने ये ली थी स्वेट शर्ट, ये भी मुझे मिली 150 रुपीज़ की, और इसको मैंने लेने की जो वजह थी ना वो ये थी कि इसके फ्रंट पर जो बाबा जी या पता नहीं आंटी जी बनी हुई है ना, ये मुझे बहुत ही मज़े की लगी थी। अफ्रीकन आर्ट सा लग रहा था और बहुत ही फ्रेश था पीस। और मैं ये भी बता दूं आपको कि ये स्वेटर्स ना मैंने एक वक्त में नहीं ली हुई, पहले की इकट्ठी करके रखी हुई है, तो मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। स्ट्राइप्स वाली बेसिकली स्वेटर्स स्वेटशर्ट्स बहुत पसंद है। वैसे आप लोग कहेंगे तुम्हें सब कुछ ही पसंद है, मुझे लंडे का सब कुछ पसंद है। एनीवेज इसके ऊपर पहनूंगी मैं अभी पफर जैकेट, ठीक है? आप लोग पूछ रहे थे फातिमा ने पफर जैकेट कहाँ से ली है, दिस इज फ्रॉम लंडा एंड द ब्रांड इज पता नहीं क्या ब्रांड है, मुझे नहीं पता क्या लेगा मैं। कार्पिरोनो कैप्री नहीं कैपिरोन रूट्स, खैर इसको भी पहनते हैं। मैं सोच रही हूँ गेट रेडी विद मी ना बना लिया करूँ, है ना, शॉर्ट्स पे। आप लोग मुझे आइडिया देना, सुस्ती कर जाती हूँ। सो यस आई एम डन, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम लंडा एंड दिस इज फॉर 500 रुपीज। आज की वीडियो में आपके साथ मैं कुछ अपने स्वेटर शेयर करूंगी, अगर आप कहेंगे तो मैं इसका पार्ट टू भी बना दूंगी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग वो भी देख सकें। अच्छा, ये स्वेटर जो था ना एक्वा कलर का, ये भी बहुत प्यारा था। अगर आप चाहें तो बटन बंद करके भी पहन सकते हैं, नीचे आप हाईनेक पहन लें। ये हाईनेक भी मैंने 100 रुपये की ली थी और स्वेटर मेरे में 200 रुपये का था। अच्छा, मैंने ना ऑफ वाइट ब्लैक पिंक इस तरह के कलर्स की टर्टल नेक जरूर ली हुई है, क्योंकि सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा चलती हैं। ये दो डेनम है, ठीक है, ये मैंने ली थी लंडे से, लंडा बाजार से, और ये मेरी कजन ने मुझे भेजी कनाडा से। ऑल्दो ये भी मुझे बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी लगती है पहन के। अब मैं आपको दोनों पहन के दिखाती हूँ, फिर आप मुझे डिफरेंस बताइएगा, ठीक है? एक मिनट, पहले लंडा पहनते हैं। अच्छा, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि मैं गेट रेडी विद मी बनाऊं शॉर्ट्स में। मुझे बहुत पसंद आई थी, मेरे ख्याल में ये 200 रुपए की ली थी, मतलब 200 भी इस तरह से कि मतलब 4-5 चीजें जब लेती हूँ ना तो उसमें भी ओवरऑल भी कम करा लेती हूँ मैं। सो थैंक्स टू दी लंडा बाजार वाले पठान भाई। अब दूसरी पहन के दिखाती हूँ, टॉमी हिल फिगर के पता नहीं क्या है, ठीक है, ओरिजिनल डेनिम, वो भी ओरिजिनल है, बस वो लंडे की है, और ये जरा पैसे लगे हुए इस पे। बताएं कौन सी अच्छी लग रही है, ये वाली या लंडे वाली? वैसे ये भी मुझे बहुत पसंद है,
इस तरह से है. दिस ऑल्सो लुक्स वेरी नाइस. बड़ी ट्रेंडी सी लगती है. यस दिस इज ऑल्सो फ्रॉम लंडा. ये मैंने 200 रुपए की ली थी. मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी थी. मैंने कहा किसी फॉर्मल ड्रेस के साथ पहनूंगी. मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, सिर्फ इसी के ऊपर पहन के दिखाती हूँ कि लगती कैसे है. तो आप देख सकते हैं कि लंडे में क्या कुछ नहीं मिलता. बस आपने जो है ना वो खुद जो है ना वो लगन से ढूंढनी है चीजें. आई लव इट. ये सारा ना वो है सीक्वेंसेस और ये सितारे वितारों का काम. ठीक है, ये आप देख सकते हैं. ठीक है, एंड आई लव इट. इसको मैं किसी ना फ्रॉक शॉक के साथ पहनूंगी, बड़ी फिट लगेगी. खैर अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ. ये कलर भी मुझे बहुत पसंद है. ये हाफ स्लीव से मुझे बहुत अच्छी लगती है. इसके नीचे आप ऑफ वाइट भी पहन सकते हो, ब्लैक भी पहन सकते हो. वैसे ब्लैक सबके साथ ज्यादा. आप लोग बताएं कैसी है ये. बहुत 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 मोटा स्टफ है ये, देख लें. और ये हाथ, और ये जो है ना हाथ की बुनी हुई है. मतलब ये हाथ की बनी हुई है. अब थोड़ा सा इसको स्टाइल करते हैं. चलिए इसको जरा स्टाइल करते हैं. आपके सामने बैग पहना और ये ग्रीन कलर का मैंने लिया मफलर जो था लंडे से. और इसका मुझे कलर बहुत पसंद आया था, इसकी लड़ियाँ भी. और इसको मैंने कहा चलो दो तरह से स्टाइल करके आपको दिखाती हूँ. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैरी योर सेल्फ. चाहे वो लंडा पहने आप या ब्रांड पहने. वैसे मैं तो भाई जो कुछ पहनती हूँ ना ऑटोमेटिकली ब्रांड बन जाता है. ये भी स्वेटर का कलर मुझे ऑरेंज बहुत 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 पसंद आया था. और आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि मेरे स्वेटर्स की कलेक्शन कैसी लगी आप लोगों को. और अच्छा पता है क्या होता है कि ये आपने खुद देखना है कि आप जो है ना वो किस तरह से जो है ना चीज़ को अट्रैक्टिव बना रहे हैं, किस तरह से इसको कैरी कर रहे हैं. अब ये देखिए मैंने बैग पहना, स्वेटर पहना, फिर बैग पहना, क्रॉस बैग पहना. उसके साथ ये मैंने जो श्रग लिया है ना, ये भी लंडे से लिया था. ये भी 150 रुपये का था. और ये आउटफिटर पर जाओ तो आपको 2-3 हज़ार का मिलता है. अब मुझे बताएं इसमें क्या बुराई है. और बिल्कुल नया, ठीक है ना. आपने मेक श्योर करना है कि चीज़ नई साफ़ सुथरी हो और सुराख ना हो. देख लीजिएगा, ठीक है, आंखें खोल के. अगर आपको ऐनक लगी हुई तो ऐनक साथ ज़रूर लेके जाइए. तो यहाँ मैंने शलवार कमीज़ पहन ली. मैंने कहा चलो शलवार कमीज़ के साथ भी आपको दिखा दूँ. ओपन बटन वाली जो शर्ट्स हैं वो बहुत, सॉरी स्वेटर्स हैं, वो बहुत अच्छी लगती है. ये भी कलरफुल आपने देखी होगी. मैं लंदन में जब डूबी हुई थी, डुबकी लगाई हुई थी मैंने ढेरी में, तो उधर से मैंने उठाई थी 100 रुपये की. और ये देखिए नेक्स्ट जो है वो मैंने स्वेटर इस तरह से पहना, बटन नहीं थे इसमें. ऐसे स्वेटर्स भी पहने हुए शलवार कमीज़ के ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं. अगर आप कॉलेज गोइंग हैं या यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, ज़रूरी नहीं कि बटन्स वाली ही स्वेटर्स आपने जो है शलवार कमीज के ऊपर पहननी है. आप इस तरह की भी पहन सकते हैं. दिस इज़ वेरी कूल. मतलब ये ना इसके ऊपर ग्लिटर्स ग्लिटर्स है, आप देख सकते हैं. बहुत मज़े की कलरफुल लाइट कलर है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उठ रही है. आप बताएं कैसी लग रही है. आई होप को आपको भी अच्छी लग रही होगी. मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. आई लव इट. वैसे मुझे ऑफ वाइट के ऊपर ये स्वेटर बहुत अच्छा लग रहा है. बड़ा ट्रेंडी सा लग रहा है, बड़ा स्टाइलिश सा लग रहा है ना. तो यही थी मेरी लंडा बाजार से शॉपिंग. आई होप आपको पसंद आई होगी. पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा. एंड प्लीज 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 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाती रहती हूँ. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. एंड थम्स अप फॉर द लंडा गर्ल. यस आई एम प्राउड लंडा गर्ल, ठीक है ना. और मुझे कोई शर्म नहीं आती लंडा पहनने में. मेरे ख्याल में अगर आपकी चॉइस अच्छी है और अगर आपको चीजों की अवेलेबिलिटी है तो लेने में कोई हर्ज नहीं है. जरूरी है कि आप लाखों और हजारों खर्च करें, जबकि वही चीज आपको कम पैसों में अगर मिलती है तो आपको जरूर लेनी चाहिए. तो अगर आप भी मेरी तरह लंडा पहनते हैं तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं इंतजार करूंगी. वैसे मजे की बात बताऊं आपको, सब लंडा पहनते हैं, बताता कोई नहीं है. लेकिन मैं तो बता देती हूँ भाई, मुझे कोई शर्म नहीं आती, मुझे कोई बुरा नहीं लगता. खैर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. एंड वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि सबको पता चल जाए कि लंदन में सब कुछ अवेलेबल है. बाय, अल्लाह हाफिज, आई लव यू, बाय.